फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक शाइना खान डेली ब्लॉग। आज हमारा नाश्ता 12 बजे हो रहा है। 12 बजे हम लोग के नाश्ता साथ का देखो, ये बैठ गए नाश्ता कर रहा है। मैं वैसे पराठे बना रही थी, मैं साथ को बोली मेरे साथ में पराठे बना रही हूँ, तो इसको पराठे नहीं, मम्मा कल तो खाए थे पराठे, तो कल खाए थे ना, तो आज नहीं खाएगा, तो नीचे गया बिस्किट लेके आया मेरे में। फिर मैंने सोचा अपने लिए अकेले लिए क्या पराठे बनाऊँ, तो फिर मैंने ब्रेड को ऐसे तल लिया घी के अंदर। तो ये मैं नाश्ता कर रही हूँ, धूप बहुत तेज़ है साथ, अब वही सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ। सोच रही दाल बना है, दाल चावल बना लेती हूँ, सलाद वगैरह कर लूँगी। चलो खाने का भी शॉर्टेज हो गया, इसको रोज़ चेंज चाहिए, रोज़ साथ को, आज ये तो कल वो। दाल चावल तो उसके फेवरेट है, पूछूंगी ना, बिना पूछे भी बना दूंगी, घुसी घुसी खा लेगा। साथ में अगर सब्जी वाला आएगा ना, भिंडी बना दूंगी थोड़ी सी, क्या बोलता है? भिंडी नहीं, ये तो भिंडी फेवरेट आ रही है। अल्लाह, भिंडी कल तक फेवरेट थी अम्मी से बनवाई, आज बता नहीं भिंडी नहीं। तो ये तो पसंद है ना भिंडी? नहीं आने दे, अब तूने एक बार गर्दन मना कर दी तो नहीं बनाऊंगी मैं। मना तो मना, फिर क्या आपने बोलेगा, मैंने आपका आप बोल रहे थे इसलिए बना दी मैंने। दाल चावल बना दूंगी, कुछ और सब्जी बना दूंगी साथ में, ठीक है? चलो नाश्ता कर लेते हैं, 12 बज गए, काम करते करते कितना टाइम लग जाए, बंद हो जाएगा। ये थोड़ा सा काम है, फिर से वही मेरा पुराना खिलाड़ी नहीं, मेरा पुराना कारपेंटर, पुराना मेरा मजदूर, घर का मजदूर है मेरा ये, तो वो आ गया है। क्योंकि मैं इसको ना पलंग को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ा सा ना ये जगह खाली चाहिए। हाँ, पूरी हेल्प करा दूँ उसकी, ये अल्लाह बहुत भारी है, खड़ा कर दे खड़े इसकी। पर थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ जगह को, जगह को खाली कर लूँ। हाँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए, अफ्तारी बनाने के लिए, सुबह सहरी के वक्त के लिए मेरे को जगह चाहिए। किचन के पास की जगह, ये जगह पूरी भरी हुई है, इससे जब जो भी काम करो आपको पलंग के ऊपर बैठ के काम करना पड़ता है। वहीं पे खाना खाओ या कुछ गिर जाता है, पानी गिर जाता है, ये वहाँ पे वो नहीं है, ये ऐसा सिरियाना कांच का, वो तो सिरियाना आएगा, बाकी दफेल कर तो बस थोड़ा सा सेटिंग करा लूँ, फिर फ्रेंड बात करती हूँ। ये सब मैं रमज़ान की वजह से कर रही हूँ, रमज़ान आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रमज़ान आ रहा है, फिर से वही रौनक, वही रात को जगना, रात को ही, रात को सुबह की सहरी, शाम की अफ्तारी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके लिए थोड़ा सा घर में चेंजिंग कर रही हूँ, जो चेंजिंग हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मस्जिद के बाहर खड़ी हूँ अभी, क्योंकि साथ हाफिज़ जी को बुलाने के लिए गया है। मैंने साथ के जो हाफिज़ जी थे ना, उनको चेंज कर दिया है, क्योंकि ये ना वो अभी थोड़ा सा नमाज़ वगैरह का थोड़ा मसला है कि वो नमाज़ वगैरह सीखे, और सब दुआ भी उसको आनी चाहिए, उसके चक्कर में मैंने उसके हाफिज़ जी चेंज कर दिए। तो वही मस्जिद में अभी गया है, साथ अंदर गया है, तो मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ मैं, वो अंदर गया है, वो हाफिज़ जी बाहर आएंगे, तो उनसे मैं जो भी टाइमिंग है, क्या कब पढ़ाना है, वो सब मैं बात करने आई हूँ। नहीं आया अभी, नमाज़ पढ़ना है वो, तो मुझे कल 2 बजे बुलाया है, तो 2 बजे आकर मैं इंशाल्लाह कल बात करती हूँ उसकी। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े ऑल्टर कराने के लिए, थोड़ा ऑल्टर नहीं, मतलब नए मेरे कपड़े सिलवाए थे, उन्होंने क्या किया, लेंथ छोटी कर दी, और ज़्यादा ही छोटी कर दी, और उसके नीचे ना ट्राउज़र है, चूड़ीदार है, चूड़ीदार पे ज़्यादा शॉर्ट कमीज अच्छी नहीं लगती है, तो मैं वही दोबारा उनको देने जा रही हूँ कि उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दें। रमज़ान से पहले जितना भी मुझसे हो सकेगा, मैं बाहर का काम जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ताकि रमज़ान की इबादत अच्छे से हो, भागम भाग वाली ना हो, क्योंकि वैसे रमज़ान में तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता है जितना जितना मिलना चाहिए, नॉर्मल उतना नहीं मिलता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। हाँ सर, मौसम बहुत अच्छा रहता है ना शाम में, है ना, ठंडी हवा चल रही है, ये वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला वक्त, शाम का, शाम का। फुल साइज, इसके अलावा दूसरा साइज नहीं है इसका। स्टोर से ना बर्गर बेस लेना था, ये रहा, नहीं बर्गर बेस बोल रही हूँ, पिज़्ज़ा बेस लेना था, वो मैंने ले लिया है, साथ को एक बार और खाना है पिज़्ज़ा। चलो मोमोज भी खाने हैं इसको, इसके लिए हम लोग वहाँ से ले गए थे, क्योंकि इनको टाइम लग रहा था फ्राई करने में, तब तक तो मैंने सोचा चलो ये कुछ सामान ले आती हूँ, पैक कर दिया भैया, चलो ठीक है, अच्छा चलो घर पर खा लेगा, चलो भैया ने पैक कर दिया। चावल भिगा दिए, दाल बनी रखी है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अम्मी के घर पे गई थी, थोड़ी अम्मी के संग बैठी, बातचीत करी, अम्मी ने बोला भी था खाना खा के जा,
पर मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं दाल बना के गई थी और फ्रेंड्स अगर मैं वहाँ पे खाना खा के आ जाती ना तो मेरी दाल रखी के धरी रह जाती ऐसी, फिर बासी दाल मेरे को अच्छी नहीं लगती। मैं तो मेरी दाल वैसा नहीं है, मैं दाल सुबह जिस दिन बनती है उस दिन खा लेती हूँ, दूसरे दिन ना मुझे अच्छी नहीं लगती दाल, मैंने नहीं खाया था खाना। तो बस चावल भिगा दिए, मैं चावल बनाऊँगी। और काफ़ी टाइम के बाद अम्मी के घर पर गई थी, मन भी कर रहा था मेरे जाने का, कितने दिन से तो मैं जा नहीं पाई थी, आज थोड़ा बिजी थी, घर का काम कर लिया। अम्मी को अपने ब्लॉग दिखाए मैंने, जो भी मेरे ब्लॉग बनाई थी मैंने, मतलब कॉमेडी वाले जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी वो वाले, आप भी देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अम्मी को दिखाए थे, क्योंकि अम्मी के पास फ़ोन तो है नहीं फ्रेंड, वो फ़ोन यूज़ करती नहीं है, तो मैंने फिर अपने ही फ़ोन में उनको ब्लॉग दिखाए, तो उनको अच्छे लगे, हंस रही थी कॉमेडी वाले ब्लॉग देख के। और कुछ नहीं, बस रमज़ान की तैयारी शुरू हो गई है, बस आपका कुर्ता पजामा लाना, आज हम लोग लेने जा रहे थे लेकिन फ्रेंड्स बहुत लेट हो गया था, अम्मी बोल रही इतनी रात में मत जा, जाते मैं कपड़ा देखते मैं पसंद करूँ तो वो टाइम लगता ही है। तो कल इंशाल्लाह कल दोपहर में कोशिश करूँगी मैं जाने की, हालांकि दोपहर में मुझे पसंद नहीं है बाज़ार जाना, पर कोशिश करूँगी बाज़ार जाऊँगी दोपहर में, इसके खातिर, औलाद के खातिर तो क्या क्या करना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो धूप में जाने की बात है, है ना साहब? हाँ ये तो कह रही हूँ, फिर मैं कल जाऊँगी इसका कुर्ता पजामा लेके आऊँगी, रमज़ान आने में टाइम कम है फ्रेंड्स, फिर ना टेलर भी लेने से नखरे दिखाएंगे, नहीं हमारे पास बहुत काम है, बुकिंग चल रही है, क्योंकि उन लोगों की बुकिंग चलती रहती है, इसके लिए कल मैं जाकर उनको कपड़ा दे दूँगी, ताकि ताकि ना आराम से सिल जाए इसका, मेरी क्या मेरे तो मेरा भी चलता रहेगा, सिल चलते फिरते काम हो जाएगा। सब पंखा चला, मैं बोल रही हूँ गर्मी क्यों लग रही है, तो पसीना क्यों आ रहा है, पंखा ही नहीं चालू, सब पंखा चला यार, हाँ चला पंखा, बहुत गर्मी लग रही है। तो बस फ्रेंड्स आज ज़्यादा कुछ था नहीं, बस साफ़ सफाई में थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको, आज मैं थोड़ा सा जो घर को चेंज किया ना मैं आपको दिखाती हूँ। पलंग हटा गया अपना बड़ा वाला, कुछ कुछ मैंने मुंबई की तरह कर लिया है, सामने दीवान है, इसके सामने टीवी है, और ये नीचे गालीचे डाल दिया मैंने, और ये सोफ़ा, सोफे पे मेरा पर्स पुराना वाला, और ये इस तरह से लगेगा। ये मैं आ गई दूसरे रूम में, ये मैंने जला दी लाइट, ये जल गई लाइट, और ये मेरा पलंग है जो मेरा रूम में रखा था आगे वाले में, अल्लाह उधर कपड़े पड़े फ्रेंड्स वो कपड़े धो के उतारे ना मैंने, तो अभी सुखा, अभी मैंने उसको तैयारी बनाई है, बुरा नहीं मानना मुझे, ये देखो ये यहाँ, और फ्रिज को मैंने यहाँ कर लिया है, ठीक है ये देखो, और ये आ गए हम लोग बाहर। अब फ्रेंड्स बताना कि कैसा लग रहा है आपको मेरा चेंजिंग, ये जगह मुझे, मैंने जगह इसलिए करी है फ्रेंड्स क्योंकि किचन पास में ही, सामने किचन है ठीक है, तो यहाँ किचन से यहाँ पे अफ्तारी करने में, नमाज पढ़ने में, और सुबह सहरी के वक्त मेरे को अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। पलंग की वजह से पूरा रूम ना भरा भरा सा लग रहा था, तो अभी अलहमदिल्ला तो कितनी स्पेस हो गया, कितनी जगह, पता नहीं फ़ोन में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कितनी अच्छी जगह हो गई, देखो पूरा मेरे को रूम फ्री मिल गया, जगह ना खुली खुली अच्छी लगती है। मेरे मन में कल आ गया था ये बात, लाइन कर देती हूँ, मेरे मन में कल ये बात आई थी कि अल्लाह में ना जगह बहुत भरी भरी लग रही है, रमज़ान में मेरे को चलेगा नहीं ऐसा, मैं कि रमज़ान में तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, कहाँ सहरी करूँगी, कहाँ अफ्तारी करूँगी, कहाँ नमाज़ पढ़ूँगी, मुझे चाहिए जगह, इसलिए आज मैंने जगह कर ली। खुशबू आ रही, नीचे खाना बन रहा है, तो क्या हुआ आज मैंने ये जगह कर ली, शाहरुख की छुट्टी थी, शाहरुख ने मेरी हेल्प करी हमेशा की तरह वो मेरी हेल्प करता है, उसके लिए बिग 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 थैंक यू, मैं जितना थैंक यू करूँ उसको उतना कम है, क्योंकि उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता फ्रेंड्स, कोई बाहर से बंदों को बुलाओ पैसा दे के काम करवाओ, तो वो रहता है, तो वो मेरी बहुत हेल्प करता है, उसने अभी तक मेरे मुंबई से मेरे आगरा तक जर्नी में सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने मेरी हेल्प करी है ना वो मेरा भाई है शाहरुख, उसने मेरी हेल्प करी है, भारी भारी सामान शिफ्टिंग, मतलब आप तो सब आपने तो देखा ब्लॉग के ज़रिए, आप तो मेरे हर एक सफ़र में मौजूद थे, देख रहे थे मुझे, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है, और अभी भी मेरा कोई भी काम होता है ना, करना है ना मुझे शिफ्टिंग वगैरह का बड़ा काम, तो वही करता है, अल्लाह उसको अच्छा रखे, उसको कामयाबी दे। बस कुछ नहीं फ्रेंड्स, अब भूख लग रही है मुझे बहुत तेज़, अब बना खाऊँगी खाना, उसके बाद कुछ नहीं, प्लीज़ ना फ्रेंड्स यार रमज़ान आ रहे हैं, मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ मत कुछ आज एक भाई का मैसेज आया था, किंग आसिफ करके उनका शायद किंग खान उनका जो ब्लॉग है उस नाम से ही है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप आगरा से हो, कितने लोग ऐसे लगता है पूछते हैं मैं आगरा की, हाँ भाई मैं आगरा की हूँ, मैं बेसिक मेरा मायका आगरा का ही है, और मेरा मुंबई जो है मेरा ससुराल है,
मेरे हस्बैंड जो मुंबई के, लेकिन वो भी देखा जाए तो वो भी इनके मतलब उनके जो अब्बा अम्मी जो भी थे हैं, मतलब मम्मी है उनकी, वो आगरे के ही हैं। वो 50-60 साल पहले जाके मुंबई में बस गए। तो मेरा ससुराल मुंबई का है और मेरा मायका आगरे का। अभी रिसेंटली मैं आगरे में ही हूँ, मैं आगरे में ही रहती हूँ। अभी मैंने यहाँ रेंट पे घर लिया है, जिन्होंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है शायद देखना, जो पूछ रहे थे मुझसे आज मैसेज में भी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं वही बता रही हूँ भाई मैं आगरे की हूँ। तो बस ये मेरा सफ़र है। और आगे की जर्नी जानने के लिए, देखने के लिए भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, भाइयों बहनों फ्रेंड्स लोग लाइक करिए शेयर करिए, ताकि देखो मेरे को और मोटिवेट मिलेगा, मेरे को और अच्छा लगेगा। रमज़ान के ब्लॉग आएंगे अच्छे अच्छे, और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं इंशाल्लाह, उनके संग भी अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस मेरी जर्नी में सफ़र में बने रहिए, मुझे ऐसी अपना प्यार सपोर्ट प्लीज़ देते रहिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।